नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एक बार फिर से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अम्बाला कैंट की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इस मौके पर पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर अम्बाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे। आपको बता दें कि गृह मंत्री का जनता दरबार बहुत ही प्रचलित है। लोगों को विश्वास होता है कि गृह मंत्री अनिल विज उनकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। सुबह से ही लोग पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आना शुरू हो गए। आचार संहिता लगने के कारण जनता दरबार को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था। आज एक बार फिर से जनता दरबार लगाया जा रहा है। अनिल विज के जनता दरबार में जींद से आए फरियादी ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि बहुत जगह घूम लिया लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। वहीं फरियादी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को नाम का सीएम बनाया हुआ है, अगर अनिल विज सीएम होते तो शिकायतों के लिए इतनी भीड़ न लगती। वहीं अपनी दोहती के रेप केस पर 6 महीने से सुनवाई न होने से परेशान बुजुर्ग महिला अनिल विज के जनता दरबार में पहुंची। इसके साथ ही पूरे परिवार को पुलिस की ओर से धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत अनिल विज के जनता दरबार में लेकर पहुंची है। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। गौतम है, जींद से आया हूँ। 19 लाख रुपए ठग रखे है, फर्जी कागज तैयार करे हैं, अनपढ़ हाँ हमें, फर्जी कागज बेचे जमीन आले, तैयार करवाओ जमीन आले, बेचे हमारे परिवार के हैं। ईटीओ लग रहा है एक साड़ा में और एक इंस्पेक्टर आरटीओ ऑफिस में। सुधीर गौतम नेता मतलब राजनीति फायदा उठा रहे हैं, मारे को छेत्याजार और फर्जी कागज यू दे रखे बिना दस्तकार, इस पे कोई जांच नहीं करी। 3-4 डीएसपीएन जांच कर ली, देखो बिना दस्तकता का है यू। और ये जमीन वाले नुके आपने नहीं दिया यू फर्जी कागज, यू तो अशोक कर दिए गए हैं, केर सिंह का नाम ले हैं, ये सारे मेरे घर देख आए हैं, मेरा धमकी दे रखी है, तने जान तो मार दे कि ते गया तो, और मैं सारे दरखास्त देने लग रहा हूँ, कोई सुनाई नहीं है। और सीएम तो खट्टर तो नाम नाम का है, कोई सीएम नहीं है। सीएम तो इसका हक मारा जा रहा है, अनिल विज का हक मारा जा रहा है, इसको सीएम बना देंगे तो यार इतनी जनता नहीं आवत यार। और एक्शन, मैं मंत्री जी से ये कहूँ, मांग करूँ एक्शन ले, एक्शन जो पुलिस बड़े बड़े अफसर दोषियां बचाओ उन पे एक्शन ले, क्यों बचाओ इन्हें, ये है मेन बात है। कोलू कर ला कर कोलू, ये इतने आदमी क्यों आए है, भीड़ घटनी चाहिए या बधे है क्यों, भीड़ बधे है क्यों, अगर न्याय मिलेगा तो भीड़ कम होगी है जी। और मैं मांग करूं मोदी साहब से भी, खट्टर ने हटाकर अनिल विज का मुख्यमंत्री बना दे, फुल बहुमत सरकार आएगी। मनने चाहे न्याय मिलियो चाहे ना, इसने मुख्यमंत्री बना दो, फिर इसका बेड़ा पट जगह वह ये बाड़ो कल आवे है। भूपेश्वर दयाल ठग बैठा रहा क्या सीएम विंडो पे, भूपेश्वर दयाल शर्मा है जो सीएम विंडो का मालिक है। और पवन कुमार डीएसपी, कप्तान सिंह डीएसपी, एक अरुण कुमार ने रहा, ये तो केस ने कैंसिल कर दे, पहले तो FIR दर्ज करे और फिर कैंसिल, FIR दर्ज करने के और बचाने के पीछे ले कैंसिल करने। 15.5 मरले ही जांच कर रहा क्या, सतबीर की 15.5 मरले जमीन है, रजिस्ट्री कौन करवा दे, मैं SP ने मिला था, मगर SP साहब जो फर्जी कागज पत्र कार्रवाई क्यों नहीं करते, बोला मैं नहीं कर सकता, फिर मगर रजिस्ट्री करवा दो, बोला मैं नहीं करवा सकता। ई जो SP है जींद, मगर फिर इतनी बड़ी कुर्सी में क्या बैठा है, मगा जेरे में खोट न काट लेवा तू, ये बात मन कही है कि अफसर काम नहीं करते हैं, अफसर नहीं करते क्या, बड़े बड़े भी नहीं करते, जब 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 सीएम नहीं करवाता काम है, जब सीएम विंडो पर ठग आदमी बैठा दिया, कप्तान सिंह DSP का रिश्तेदार है भूपेश्वर दयाल शर्मा, सीएम विंडो और कई और है सीएम विंडो की, मैं या फोटो या ले रहा इतनी डाल रखे, हमने इनके नाम लिख रखे, इनके फोन कर रखे है, ये ठगान बचावे ये सारे सीएम के दफ्तर में। और मोदी का पुकार दानी चाहिए, अनिल विज को मुख्यमंत्री बना दे, हरियाणा फुल बहुमत की सरकार आओगी, और नहीं तो 20 से भी कमाओगे जब इसको मुख्यमंत्री नहीं बना तो, ये है जी असली।
अनिल विज के जनता दरबार में पहुंचे हैं, क्या समस्या आपकी है? क्या ये है, मेरी बेटी का रेप केस हो रहा है और मन 6 महीने हो गए, दरखास्त दी, कोई कार्रवाई नहीं करी, मेरे पे धमकी दे रहे, मेरे घर लग जा रही है उठाने ने, वो मुजरिम भी वहीं का है और खुद इसकी सगी मम्मी है, मेरी बेटी है। धमकी कौन दे रहे हैं? धमकी नहीं, उठाने के लिए भी जा रही है, मेरे घर परिवार पीट गया सारा, चौकी वाले नहीं सुनाई कर रहे, बलोटा चौकी वाले हमारे को आके धमकाते हैं। कौन धमकाता है? पुलिस वाले मेरे लड़कों को बोलते हैं आप नौकरी से हाथ धो बैठोगे, नहीं ये केस का रफा दफा करो। अधिकारियों से मिले हैं आप, क्या कुछ उनका कहना है? इनको 2 बार मिल लिए, 2 बार एक्शन ले लिया, उनने कोई कार्रवाई नहीं ली उस एक्शन पर कोई भी। हम नानी दूती दूसरी बार हम आई सर, एक बार मेरा लड़का आया था, इस लड़की ने लेके 3 दिन बैठा रहा उधर। तो यहाँ से आदेश हो जाते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती? नहीं करती बेटा, वो तो किसी की दाबन नहीं, एसपी सुधा मेरे को डांट मारता है। क्या कहते हैं आप? यहाँ क्या बकवास करने आ जाती है, घर न काम नहीं है तुझे जी, ये डांट मारता है जी। अपना फोन तल्लू रखते हैं, हमारा फोन बाहर गिर दो। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।